गाइस आज का प्रोडक्ट रहा ये है। अरे भाई 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 क्या हो भाई भाई हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट केयर। फाइनली वी आर बैक विद अ न्यू प्रोडक्ट। यस दिस इज द प्रोडक्ट। टाइटल तो पढ़ लिया होगा, शार्क फिन एंटीना। तो ये शार्क फिन एंटीना जो अमेजोन से मैंने मंगाया है तो आप लोगों ने देखा ही, उसका लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शार्क फिन एंटीना में अपने को मिलता है एक शार्क फिन एंटीना जो मैंने ब्लैक कलर में मंगा के रखा है। यूजुअली मैं ब्लैक ही मंगाने वाला था। और साथ में हमें एक छोटा सा स्क्रूज के पैकेट्स मिल जाते हैं, इसमें स्क्रूज पड़े। इसके रीजंस क्या है मैं वो पहले बता देता हूँ। दो रीज़न है चेंज करने के, वो दो रीज़न में से एक जो रीज़न है, सबसे पहले तो ये लुक एनहांस करेगी गाड़ी की, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है अभी आप स्क्रीन पर देख रहे रहोगे कि मेरी गाड़ी का जब कवर जो था पहले वो था कंपनी फिटेड, वहाँ पे मेरे को मिरर पॉकेट्स मिलते थे और साथ ही साथ एंटीना पॉकेट भी मिलता था जिससे मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी। बट राइट नाउ वो मेरा 6 महीने बाद ही ख़राब हो गया था, तो अभी मैंने आफ्टर मार्केट लिया है। आफ्टर मार्केट भी मिरर पॉकेट्स मिलते हैं लेकिन एंटीना पॉकेट्स के साथ बहुत रेयरली मिलते हैं। आफ्टर मार्केट है इसका, ये हाल है जिसने मेरा पूरा एंटीना का हालत देख सकते हो, पूरा कवर कर लिया है, जिसकी वजह से हुआ ये है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में। आप देख सकते हो इसका कंडीशन देखो, फुल टेढ़ा हो गया कवर के प्रेशर की वजह से। कवर ने तो पूरा कवर कर लिया था लेकिन अभी इसका हाल जो आप देख सकते हो, ये यहाँ से बेंड हो गया, यहाँ पे देखो कर्व आ गया, बेंड हो गया। तो इसका सॉल्यूशन जो है अभी मैं एक ही लाया, वो है अपना शार्क फिन एंटीना जो उसके बदले अभी रिप्लेस हो गया। मेरी गाड़ी रेड कलर की बट अभी इसके साथ रिप्लेस करेंगे हम इसको ब्लैक के साथ, इसलिए मैं अपना रूफ भी अभी ब्लैक कलर में करवा दूंगा कुछ दिनों में नहीं मतलब टाइम लगेगा बट मैं कराऊंगा। तो उसका इजी स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। करना क्या आपको ये हो गया, तो अभी इसको करना, आपको रिमूव करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज आप रिमूव घुमाओ से, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहो जब तक ये निकल नहीं जाता पूरी तरह। थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, निकल जाएगा, ज़्यादा टाइट रहता है। देखो ये निकल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अंदर रिंग्स बने पड़े। आपको यहाँ पे स्क्रूज जो है यहाँ पे अवेलेबल मेरे पास, जो आपको ऑलरेडी बॉक्सेस में मैंने दिखाया था, ये स्क्रूज मिले आपको यहाँ पे। 3 टाइप के स्क्रूज मिलेंगे मोस्टली। देखो ये 3 स्क्रूज है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके गाड़ी में सूटेबल स्क्रूज ये जो बैठ जाएंगे, इनमें से कोई एक बैठ जाएगा, तो आप जो भी आपको यहाँ पे आप देख लो एक फिट करके। मेरे गाड़ी में तो ये बैठ चुका है, तो आप देख सकते हो ये फिट हो गया। तो ये अपना रहा एंटीना, शार्क फिन एंटीना। इसके अंदर देखो आप देख सकते हो दिख रहा है, हाँ क्लियरली दिख रहा है। इसके अंदर रॉड है, रॉड मतलब एंटीना ही है, मिनी एंटीना है ये। अपना वायर है, इसको देखो आप क्लिप दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, इसका जो स्क्रू जो भी आपकी गाड़ी में फिट होता है, मेरी गाड़ी में तो फिलहाल ये फिट हो रहा है, तो आप इसको इसके थ्रू डालो अंदर। इसके थ्रू अंदर डालते ही इसमें लॉक हो जाएगा, बाद में इसके ऊपर ले जाओ, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो, ये अंदर जाते ही इसको स्क्रू को जो आप टाइट कर लो। सो मेक श्योर कि अच्छे से प्रॉपरली टाइट हो जाए, ये टाइट हो गया कम्प्लीटली, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपको अभी इसके ऊपर सिर्फ इसको ऐसे अलाइन करना है। अभी आप अकॉर्डिंगली देख लो, अपने किसी फ्रेंड को बोलो किस साइड से ये परफेक्ट बैठ रहा है, स्ट्रेट बैठ रहा है, अपने फ्रेंड को बोल के आप उसकी हेल्प लेके। आपको करना कुछ नहीं, इसको यहाँ से सिर्फ जो 3 mm की टेप है ये आपको रिमूव करनी है, एंड उसके अपने अकॉर्डिंग जो आप जहाँ पर आपको लगता है कि परफेक्टली बैठ रहा है आप उसको वहाँ पर बिठा सकते हो, बस इसको चिपका देना है। लेकिन मेक श्योर कि आप यहाँ पे इसको नीट एंड क्लीन पहले अच्छे से कर लो। सैनिटाइज़र है तो उससे, अल्कोहल वाइप है तो उससे यूज़ कर लो, या तो सैनिटाइज़र भी यूज़ कर लो, सबसे बेस्ट देसी जुगाड़ अपना इंडिया का करना क्या। इसको सिंपल से इतना से आपको इसके अंदर लगाना है और ये रख देना है। आप चाहिए तो एक मार्कर ले लो, यहाँ पे आपको चाहिए आप स्ट्रेट कर लो इसको देख के पहले, और मार्किंग आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर लो। सीधा है क्या, देख परफेक्ट एकदम स्ट्रेट था। तो देखो अभी इसका हमें सेलो टेप निकलना, तो अभी करना कुछ नहीं है, अपने हिसाब से दे दो इसको डॉट कहाँ पे भी आपको जहाँ पे सूटेबल लगता है। सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ा कैमरा हिल गया था,
क्या इसे भी कोई देखने नहीं वाला ऊपर, और रैपिंग तो होने ही वाली है तो एक ऐसा ढक ही जाएगा, और या तो अल्कोहल वाइप से भी क्लियर हो जाएगा। तो 3mm का टेप है, तो 3mm टेप को इसको सिर्फ आपको निकालना है। गाइस अभी इसको आप ध्यान से एकदम संभल के लगा लो अपने हिसाब से, जैसा आप बिठाए थे इसको। नहीं अभी तक इसको प्रेशर नहीं दिया मैंने, दोस्त ने अपने दे दिया अप्रूवल, स्ट्रेट है बोल दिया, इसको दबा दिया गया है अपनी तरफ से फुल ऑन पॉइंट टू पॉइंट। ये देखो यार मारुति की गाड़ी देखो इसी दब जाती है, इतनी बकवास गाड़ियाँ होती है मारुति की। परफेक्टली बैठ गया ऐसे तो, फिट हो गया, आपको दिखा देता एक बार बाजू से कैसा लुका रहा है, साइड से ऐसा लुका रहा है, फ्रंट से भी दिखा लो एक बार आपको। परफेक्ट एंगल में सीधा बैठा है, देख सकते हो बराबर सीधे एंगल में बैठा है, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे भी परफेक्टली बैठ चुका है, ये कुछ इशू नहीं है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, प्लीज़ चेकआउट।